और प्यार हो गया के सभी एपिसोड देखें बिल्कुल मुफ्त कभी भी कहीं भी केवल Z5 पर। हाँ जी यस, कहाँ हो तुम? हाँ, सुबह से घर से गायब हो, ना फोन उठा रहे हो ना मैसेज का रिप्लाई कर रहे हो। एक्चुअली जी, मैं जयपुर से बाहर हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ। जयपुर से बाहर मुझे बता के क्यों नहीं गए? अगर बता देता तो आप जाने नहीं देती ना। चलावा किधर है? यही था ना। आप सुन रहे हैं भाई साहब, अब शहर से बाहर भी जाने लगे बिना हमें बताए, वो भी किसी ऐसी जगह जहाँ पर मैं उसको कभी नहीं जाने देती। राज, तू मुझे सच सच बता, तू कहाँ है? और पहले आप प्रॉमिस कीजिए मना नहीं करोगी मुझे। अच्छा बाबा, नहीं मना करूंगी, लेकिन बता तो सही, तू कहाँ है और कहाँ जा रहा है? खाटू श्याम जी के मंदिर। क्या? खाटू श्याम जी के मंदिर? हाँ जी जी, आपने जिजू को कसम देती थी वो आते नहीं, इसलिए मुझे आना पड़ा। जी, सिर्फ आप नहीं हो जिससे एक बच्चा चाहिए, मुझे भी घर में अपने से कोई छोटा चाहिए जिसे मैं लाड कर सकूं, जिस पर अपना हुकुम चला सकूं। मैं पहली बार सच्चे मन से मन्नत मांगने जा रहा हूं कि जल्दी से मुझे मामा और आपको मम्मी बना दे। प्लीज जीजी, प्लीज मना मत कीजिए। ठीक है, बाय। भाई बहू, ये खिचड़ी तो तुमने कमाल बनाई है, और ये पनीर भी बहुत अच्छी बनी है। बाकी सारी चीजें एक तरफ और माँ के हाथ के आलू के पराठे एक तरफ, सुपर्ब। अब पेश है गाजर का हलवा। हाँ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, सबसे पहले लाइन में मैं हूँ, आ जाओ। हाँ नहीं बाबू जी, आपको थोड़ी ना खाना है। बेटा तुमने प्रॉमिस किया था मुझे। अच्छा ठीक है, अपनी एक चम्मच दे दो, उससे ज्यादा मत देना। ये सबसे बड़ा होने के बाद सबसे ज्यादा स्टेशन बाबू जी। हाँ, एक चम्मच। नहीं अंकल, थोड़ा सा पी दो। वैसे ये तो अच्छी खासी पार्टी हो गई गार्डन में। कहते हैं कि जो परिवार साथ में खाता है वही साथ में रहता है। वैसे आपके बच्चों के संस्कार बहुत अच्छे हैं, वरना आजकल तो एक परिवार में जितने भी लोग होते हैं उतनी बार गैस पर खाना गर्म होता है। आप उसकर बोल, और तो रैली निकाली थी ना, कौन सा सेशन 144 लग गया था, इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पार्टी के वर्कर्स को अरेस्ट करने की? अब देखना तू क्या करता हूं मैं। अरे मोर्चे निकालेंगे, धरने देंगे, पर छोड़ेंगे नहीं इन गरफ लोगों को हम, चोर कहीं के ब्लडी रास्कल्स। तुम देश को काबू में करना चाहते हो? पहले अपनी जुबान को तो काबू में कर लो। तुम यहां किसी रैली के लिए नहीं आए हो, अपनी फैमिली के साथ आए हो, अर्पिता की फैमिली भी साथ में। डैड मैं उनको सिर्फ अपने गाजर का हलवा लिया। कमाल है, मैंने सोचा था कम से कम इस ट्रिप में तो तुम ढंग से पेश आओगे, लेकिन तुम कभी नहीं सुधरोगे। आबाज भाई, कहाँ जा रहे हो आप? देख चिकी, मैंने प्रॉमिस किया था कि आज डैड से झगड़ा नहीं करूंगा, माहौल को खराब नहीं होने दूंगा, पर हम दोनों एक साथ एक जगह रह नहीं सकते। अब अगर मैं बस में गया तो मामला मेरे बस के बाहर हो जाएगा, इसलिए मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड। आज भाई कार में अकेले जा रहे हैं, तुम उनके साथ चली जाओ। जा, सुन, अपना बैग ले जा और ये दे। अरे चिकी, तू यहाँ क्या कर रही है? अपने भाई के साथ जा रही हूँ, एनी प्रॉब्लम? चिकी मुझे रैली का मैटर सॉल्व करना है, पूरे टाइम फोन पे बिजी रहूंगा मैं, बेकार में बोर हो जाएगी, तो घर वालों के साथ जाओ। चलो राजू। अरे भाई, ये आवाज भाई भी ना बड़े जिद्दी है। गाड़ी निकल गई साहब जी, हम भी चले। अब नहीं, कहा है वो? आभास के साथ गई है। चलो ड्राइवर। माँ,
तो वो ही है गुंडा भवानी। क्या सुनसान रास्ते पर अकेली क्या कर रही है? आपसे मतलब? ना जाने आज क्या हो गया, ऐसा लगता है कि जयपुर के सारे गुंडे इसी रास्ते पर घूम रहे हैं और मुझे सब मिल रहे हैं। आपकी बस छूट गई है, अगर आप चाहे तो मैं आपको आगे तक बताएं। थोड़ी देर में बस आ जाएगी, मैं चली जाऊंगी। लेकिन यहाँ बस का कोई भरोसा नहीं है, ये मैंने ये दुकान वाला कह रहा है। कभी कभी तो 6-6 घंटे में एक बस आती है। ज्यादा डराने की जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। आप प्लीज अपना काम कीजिए। काम से याद आया, आपको एक काम की बात बताना चाहता हूँ। टिकट क्या बस में ट्रैवल नहीं कर सकती, और जिन लोगों के पास टिकट के लिए पैसे नहीं होते उन्हें बस में चढ़ने नहीं दिया जाता, और आप तो मुझे खाली हाथ नजर आ रही है। दैट मींस रोना मनी विद यू। लिफ्ट ना से कम टिकट के पैसे तो ले लीजिए। ये उधार नहीं है, आपके दिए हुए पैसे आपको वापस दे रहा हूँ। आपको याद है ना, मंदिर में आपने गलती से मुझे 50 का नोट दिया था। ले ले अवनी, यू नीड इट, और फिर तेरे ही तो पैसे हैं। ले लीजिए प्लीज। मुझे पता था तुझे भूख लगेगी, और गाड़ी में भी कुछ नहीं रखा ना खाने के लिए। माँ, गाड़ी में खाने के लिए कुछ नहीं था, पर सुकून जरूर था। आभास, अब गुस्सा छोड़ देना, तू तो जानते है ना तेरे पापा का नेचर। देख मैं तेरे लिए क्या लाई, अवनी की फेवरेट रेवड़ी, और तेरे लिए आलू के परांठे। सारे परांठे खुद मत खा जाना, उसे भी भूख लगेगी, उसे भी दे देना। हाँ, मैं क्यों खिलाऊंगा उसको, आपके साथ है, आप लोग खिला दो ना उसको। आभास, वो तो तेरे साथ गई थी ना। मेरे साथ कब गई वो? आभास, वो आई थी मेरे पास ये बोलने के लिए कि वो तुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए तेरे साथ गई थी। माँ, वो आई जरूर थी, पर मैंने उसको वापस भेजा था कि मेरे साथ बोर हो जाएगी। आभास, क्या हे मेरे सावरा, इसका मतलब अपनी वही छूट गई जहाँ हम रुके थे, वो भी अकेली। क्या, अपनी माँ कैसे रह गई? के पास फोन तो होगा ना, आप फोन करके देख लीजिए। हाँ, लगा ना। पर वो तुम्हारे साथ गाड़ी में आने वाली थी। फिर वो मेरे पास आई थी, पर मैंने उसको वापस भेज दिया था। तो फिर छूट कैसे गई? बज रहा है। डैड, अवनी का फोन मेरी गाड़ी में रह गया है। लापरवाही की भी एक हद होती है। तुम अपने परिवार का ध्यान तो रख नहीं सकते, अपनी छोटी बहन को भी नहीं देख सकते, छोड़ा है उसे अकेला। तुमसे मुझे किसी बात की उम्मीद नहीं। डैड, आप मुझे बाद में डांट लेना, इस वक्त जरूरी है अवनी का मिलना, और मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। इस शादी में ना कोई भी काम बिना विघ्न के पूरा नहीं हो रहा। अक्षत, देखना अवनी पे कैसी मुसीबत आ गई अभी। बहुत जी, प्लीज आप घबराइए नहीं, हम सब है ना, हम सब अवनी को जरूर ढूंढेंगे। और अवनी वैसे भी एक समझदार लड़की, हम तक वापस जरूर पहुंचेगी। प्लीज घबराइए, चलिए आइए। और प्यार हो गया के सभी एपिसोड देखें बिल्कुल मुफ्त, कभी भी कहीं भी, केवल Zee5 पर।